नंदिनी भाभी ये है रौनक भाई और रौनक भाई ये है नंदिनी भाभी। क्या बात है नंदिनी, इनके मुंह से शराब की स्मेल आ रही है। तुम पहली हो जो इस घर में जीत कर आ रही, अपने प्यार को जीत कर। इसे कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट। Congratulations. आप मुबारकबाद की हकदार तो तुम हो ही नरेंद्र भाई, जो तुम्हारे पार्टनर है। वैसे ये मेरे पति है रौनक और मैं रूपा। नंदिनी भाभी चलिए, बहुत लेट हो गया। रूपा भाभी बाद में बात करेंगे। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनका प्यार मिलता है। वो लोग होते हैं जो अपने प्यार को पहचानते हैं। नैनी, 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 नैनी तुम आ गई। नैनी क्या 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 कर रहे, छोड़िए मुझे। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। मत कैसे भी मेरे पास आने की। प्लीज छोड़िए। उसके पास से कभी आता तुझे मैं। नहीं छोड़िए, छोड़िए, नहीं। ये कौन नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं? देखिए मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, इन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए प्लीज। ये नंदिनी जी के बड़े भाई है, अगर कोई 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 प्रॉब्लम हुई ना तो नंदिनी की शादी में इशू हो जाएगा। प्लीज शाखा बहन है, सुनिए मैं नानी हूँ। हम साथ में डांडिया खेलते, आइए आइए मेरे साथ। तू नानी नहीं है, तू रूपा। ये शर्म कर, क्या कर रहा है? तेरी बीवी नहीं है, रतन सिंह खानदान की बहू है। मेरी बहू है नालायक। विराल भाई आप ठीक हो? ये क्या पता नहीं किसका रंग चढ़ गया तुझ पे। आज तूने सारी हदें पार कर दी है। हेमराज सेठ मैं प्रसंग का माहौल है, जाने दीजिए। मेहुल ये समाज का मामला नहीं है, मेरे घर का मामला है। आपके मेहमान आए हुए हैं। विरल, विरल इसे लेके निकल होटल पर, इसका मुंह देखना नहीं चाहता मैं। मेरे बेटे ने जो कुछ किया उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांग। विरल बोला ना तुझे, लेके निकल इसे। दिख रहा निकल, निकल तू भी। बेटे तुम लोग ठीक हो ना? ये दोनों यहाँ से भाग कर गए हैं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और देखिए ना रौनक और रूपा भी नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है। तू ठीक कह रही है समता, चल मैं देखती हूँ। चलिए ना भाभी। रुको 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 प्लीज, रुको प्लीज, सुनो मेरी बात। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नंदू की शादी इशू हो जाएगा। प्लीज तुम प्लीज गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ, सच बता रही हूँ। ओ लवर्स चलो। मेरी बात सुनिए तो। जरा भी नहीं। सुनिए सेठ जी सुनिए। मोटा भाई मैं रौनक से बात कर लूंगा। बात बहुत जरूरी है नंदिनी, इतनी जरूरी कि जो हमारी शादीशुदा जिंदगी की दिशा तय करेगी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की दिशा सिर्फ हमारा प्यार और हमारे बीच का सम्मान तय करेगा। अब कैसे बताऊं तुम्हें कि जिस दहेज की कुरीति से तुम्हें इतनी नफरत है वो बापूजी ने हमारे घर की सारी बहुओं से लिया है। बताइए भी, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? हनीमून। हनीमून? हाँ। हनीमून पर क्यों जाना है? जाना कोई रूल है क्या? जाना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना नंदिनी, जब एक न्यूली वेड कपल हनीमून के लिए जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को समझने का उनको मौका मिलता है। और ये कह लो कि एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो जो न्यूलीवेड कपल्स हनीमून पर जाते हैं, क्या वो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ जाते हैं? एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं? तो फिर जो कपल्स हनीमून पे जाते हैं उनकी तो डिवोर्स होनी ही नहीं चाहिए। टू क्यूट नंदिनी। क्या है ना, ये सिर्फ शुरुआती पहचान के, ताकि इससे न्यूलीवेड कपल के बीच में शर्म और झिझक थोड़ी सी कम हो जाए। इसलिए मुझे आपसे जरा सी भी शर्म और झिझक नहीं। हाँ मतलब आपके अंदर मेरे लिए कोई शर्म कोई झिझक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। Are you sure? Yes. Okay. कौन है? नंदू, भूत ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तांत्रिक लेकर आई हूं मैं। अब हम तो बस ऐसे। अरे रोनू बेबी, बेबी तुम तो प्लेटा गए हुए थे ना नरेन और नंदिनी की शादी में, तो यहाँ। अच्छा इधर देखो, क्या हुआ? मूड क्यों खराब है बताओ? सबके सब कमीने हैं साले। पर बेबी तो तुम्हें इतनी पीने की क्या जरूरत थी? पीता नहीं तो क्या करता? हा? तुम्हें पता है उस बुढ़ाऊ ने तुम्हारे बारे में क्या बोला? पता है वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की, वो दूसरों को सजाने सवारने वाली लड़की, उसे तुम रतन सिंह खानदान की बहू बनाना चाहते थे। हेमराज रतन सिंह कब तक रोकेगा मुझे? तेरी हवेली तो मैं जाके रहूंगी, वो भी रौनक की बीवी बनके। नंदिनी को हमारी दूसरी बहुओं के सामने कंपैरिजन में शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए 50 तोला सोना तो दे देते। एक चीज है जो आप मुझे दे सकते हैं। हाँ बोलिए ना हेमराज भाई। आपका वो केस जो उपलेटा के हाईवे से लगा हुआ है, मुझे माफ कर देना माँ। मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो। जिस दहेज की वजह से बहन की जान गई, बेटी की खुशी के लिए वही दहेज देना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। किसको दहेज देना पड़ रहा है आपको? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.